hello my dear educators this is minakshi narula founder and ceo at mentoring the mentors an institute that accelerates your learning curve so my lovely educators as i have already shared a video on 50 hours of cpd like how we have to complete our 50 hours of training

लुक फॉरवर्ड टू दीक्षा पोर्टल और ये जो सर्कुलर आपके सामने हैज बिन रिलीज बाई सी बी एस टेंवेबर इसमें हिंदी एंड इंग्लिश तो टोटल फोर कोर्सेज आट देयर तो हम इन फोर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं इट हैज कोर्स सर्कुलर इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश से

ट्वेंटी फाइव आवर्स जो है वो सीबीएसई के थ्रू रिक्शा भी उसी में इंक्लूडेड है स्वयं भी उसी में इंक्लूडेड है थ्रू वी आर द समर्सेस एंड बाकी के जो ट्वेंटी फाइव आवर्स हैं वो इन हाउस ट्रेनिंग्स प्रिंसिपल्स एस बेटाकोजिकल लीडर्स कैन कंडक्ट सच काइंड ऑफ वर्कशॉप और मे बी अगर आपके स्कूल में कोई एल एन डी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है आपके सीनियर जो टीचर्स है एच ओडीज हैं दे for the teachers on life skills on well education capacity building so you can go ahead with that also bahut bar hum hamare man mein ye aata hai ki 50 hours of training pata nahi kitna expenditure har teacher kaise karega it is not possible for us dear teachers certainly ki हम अपना इतना भी को सर्टिफिकेट्स अर्न करने हैं बहुत बार ये होता है कि यू हैव टू पे फॉर द सर्टिफिकेट कितना हम अपनी पॉकेट्स uh, में से स्पेंड करें माय लवली एडुकेटर्स ट्वेंटी फाइव

सो so, अगर आप हर महीने वो ही पांच अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपके सिक्सटी तो वही सीबीएसई के थ्रू ही हो जाते हैं राइट right? तो अगर आप ट्वेंटी फाइव सीबीएससी के थ्रू कर लेते हो दैट इज मोर देन ए हर महीने में दो दो भी आप करते जाइए ठीक है सो दैट कैन बी डन एंड रेस्ट टू आवर्स एटलीस्ट स्कूल की तरफ से आपके प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं आपके सीनियर टीचर्स आपकी मीटिंग्स लेते हैं दे आर गाइडिंग यू तो दैट ट्वेंटी फाइव अवर्स विल बी बाय इन हाउस ट्रेनिंग थ्रू योर प्रिंसिपल नो नीड टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन दोज आप देखिए कि सीखने के लिए क्या है राइट right? बहुत बार क्या होता है स्क्रिप्ट तो आप उसमें से देखिए कितना ग्राफ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमें पोर्टफोलियो भी अपना क्रिएट करना है वो हमें यूडीआईएससी के पोर्टल पर अपलोड करना है एंड अपार्ट फ्रॉम एट माई डियर एजुकेटर्स सीबीएसई uh, की तरफ से एक प्लेटफॉर्म हमें और दिया जाएगा जिसमें कि वी हैव टू अपलोड द पोर्टफोलियो ऑफ द टीचर्स एंड जो डाइट के हेड्स हैं एंड स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं वो अपने टीचर का इवेल्युएशन भी करेंगे कि जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इसकी लर्निंग है वेद द टीचर इज इम्प्लीमेंटिंग द सेम इन द क्लासेज और नॉट तो आपकी क्लास रूम ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं आपकी इंटरेक्शन हो, हो सकता है आपका इंटरव्यू हो सकता है राइट सो फॉर दैट मेक श्योर आप जितना सीखें उसको इंप्लीमेंट जरूर करें अदरवाइज हम सीखते जाते हैं और हम साथ साथ में भूलते चले जाते हैं लेट इसमेंटेड तो चलिए हम इस कोर्स को देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं एक तो है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर जो कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है

उसमें आपको क्या करना है कि इफ यू आर कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च वो आपको सीपीडी आपका एनहेंस होता है इफ़ यू आर राइटिंग आर्टिकल्स पब्लिशिंग द सेम इन द जर्नल्स दैट आल्सो सी योर सीपीडी इफ यू आर गोइंग एंड वर्किंग एज एन एग्जामिनेशन इन चार्ज आप इवेलुएट करते हो वो भी आपका सीपीडी का पार्ट है इफ यू आर शेयरिंग यूर लर्निंग विदर्स एज ए रिसोर्स पर्सन एट सम प्लेटफॉर्म दैट ऑल्सो एनहैंस यूर सीपीडी और अगर आप कोई भी कोर्सेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म से करते हैं चाहे वो प्राइवेट है चाहे थ्रू सहोदया कॉम्प्लेक्स है चाहे इन हाउस ट्रेनिंग है वो सब आपके आउट ऑफ सी बी एस ई माने जाते हैं राइट सो दिस विल बी एज अ पार्ट ऑफ योर ट्वेंटी फाइव आवर्स दैट यू विल बी स्पेंडिंग ऑन द सीबीएसई पोर्टल राइट सो एन अदर वन इज साइबर हाइजीन इनवायरमेंटलडी कैन अटेंड ऑल द कोर्सेस They are not दे आर नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक यू कैन गो है एक कोर्स पे क्लिक करके देखते हैं लेट सी आल टेल like action research batch बैच I'm going to click over here. So it will be taking me to this portal. क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है तो अदरवाइज जहां पर आपको स्टार्ट लर्निंग दिख रहा है यहाँ पर आता है ज्वाइन कोर्स आप उसको क्लिक करते हैं उसके लिए आपको पहले लॉग इन करना पड़ता है विद ईमेल आई

Action research video, different activities have been mentioned. This is really very good. The teachers who are even doing B.Ed or M.Ed, let me tell you, please go through it. Let me tell you, see, uh, even I have been reading about advanced educational research, right? So, you will be able to get to know that is going to help you. M.Ed ke first semester me aata hai, uh, research, educational research, initial part and the third semester it is advanced educational research so please uh, that is really going to help you so my dear educators see uh, then module two is steps of action research and then this may scan the different activities action plan different check for understanding classes may na, bachon then process of action research report writing proposal summary portfolio